हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले गार्लिक ब्रेड स्टिक्स विदाउट ओवन। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। हम लेंगे 3 ब्रेड स्लाइस। अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स को, क्रस्ट को कट कर निकाल देंगे। आप किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मिल्क ब्रेड ली है, और फ्रेश ब्रेड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कट करने में थोड़ा सॉफ्ट होने की वजह से कट बराबर से नहीं होगा। आप थोड़ा एक दिन की रखी हुई ब्रेड को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके ब्रेड गार्लिक ब्रेड परफेक्ट बने। हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे स्ट्रिप्स में ब्रेड को। अभी ये देखिए, हमारे सारे स्ट्रिप्स तैयार हैं। अभी हम लेंगे 3 टीस्पून बटर। आप नॉर्मल प्लेन बटर भी ले सकते हैं, या गार्लिक बटर भी ले सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक क्लोव्स। मैं इसको क्रश कर डालूँगी। ये फ्रेश कोरिएंडर, इसको भी हम फ्रेशली चॉप कर डालेंगे। ये है चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। हम इसमें बटर में ऐड करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे हमारी चॉप की हुई कोरिएंडर। अभी हमने जो गार्लिक क्लोव्स लिए थे, उसको हमने बिल्कुल ही फाइनली क्रश कर दिया है। उसको इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अगर आपका बटर सॉल्टेड बटर है तो आपको सॉल्ट डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स ना हो तो आप ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर हमारे ये जो ब्रेड पीसेस है या ब्रेड स्टिक्स है, हम इस पर ये बटर स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से इस पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। सिर्फ वन साइड हम इसको लगाएंगे, दूसरे साइड पर नहीं लगाएंगे। ये देखिए कितना फाइन कलर आ रहा है, कोरिएंडर, चिली फ्लेक्स, एकदम परफेक्ट कलर दिख रहा है बटर का। इसी तरीके से हम हमारे बाकी ब्रेड पीसेस को भी बटर लगाकर रेडी कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर इजीली अवेलेबल रहते हैं। कभी भी किसी भी टाइम पर आप जो है अपने घर बैठे गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड स्टिक्स को बटर लगा चुकी हूँ। अभी मैं एक पैन लूँगी, उसको लो फ्लेम पर हीट करूँगी, और मैं पहले डाउन साइड को टोस्ट करूँगी। फिर उसके बाद जहाँ पर मैंने बटर लगाया है, मैं जब उसको फिर टर्न करके टोस्ट करूँगी, दोनों साइड मैं टोस्ट करूँगी। और सिर्फ 2-3 सेकेंड्स के लिए ही मैं टोस्ट करने रखूँगी। और देखिए, एकदम परफेक्ट कलर आएगा। ये देखिए, मैंने इसको 2 मिनट्स हो चुके हैं। अभी मैं इसको टर्न करूँगी। देखिए ये कितने अच्छे, एकदम हल्का लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अभी मैं इन सारों को टर्न कर एक 1 मिनट के लिए टोस्टिंग के लिए रखूँगी। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है, वो लोग आसानी से अपने पैन या फिर तवे में इस तरीके से बना सकते हैं। अभी 1 मिनट हो चुका है। देखिए, मैंने फिर से इसको टर्न कर दिया है, सारे मेरे ब्रेड स्टिक्स को। देखिए कितने अच्छे से ये टोस्ट हो चुके हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है। देखिए, ये हमारी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको प्लेट पर रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट गार्लिक ब्रेड रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।